ये चित्तौड़गढ़ का पहला पापा रावल जो फर्स्ट रूलर सन डायनेस्टी ने करवाया था 55 किंग जो थे इसी पैलेस में रहा करते थे। यहाँ उनके मंत्रीगण बैठते थे, नीचे जमीन पे लोकल ऑडियंस होती थी, मीरा बैठ करके भगवान कृष्ण के भजन करती थी। ये राधा रानियों का विंटर टाइम का पैलेस कहा जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर दो सीक्रेट रास्ते होते हैं, फूड होता था, अरहर का दाल, गोंद। ये पूरा का पूरा जो है दोस्तों, अभी हम मीरा मंदिर पे आए हैं। यहाँ पे हमें गाइड जो है वो बताएंगे मीरा मंदिर की हिस्ट्री क्या है। तो इस किले की जो लंबाई चौड़ाई है वो 700 एकड़ में फैला हुआ है। इस 700 एकड़ के अंदर में 130 हिंदू टेंपल हुआ करते थे और 84 रिजर्व वाटर टैंक बने हुए हैं। उस जो रिजर्व वाटर टैंक जो बने हैं, पहले के जो पुराने जो लोग थे वो जो कुएं बावड़ी का पानी पीते थे, इसलिए स्टोर होता था पानी का, रेन वाटर कलेक्ट होता था। सामने जो मंदिर बना हुआ है ये 8th सेंचुरी में बनाया गया था बापा रावल के द्वारा। उस वक्त ये मंदिर था, भगवान विष्णु का जो अवतार होता है वरा अवतार, ये वरा का मंदिर था और भगवान विष्णु का सवारी होता है गरुड़, जो सामने काला मूर्ति दिखाई देता है। इस तरीके से ये इसके अंदर में 14th सेंचुरी के हमले में जब इस मंदिर को तोड़ दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के हाथों, तब राणा कुंभा ने इसको रिनोवेशन किया। तो राणा कुंभा ने इसमें 3 नया मूर्ति लगाया था, राधा कृष्ण बलराम का। तो राणा कुंभा के नाम से इस मंदिर का नाम हो गया था कुंभ श्याम मंदिर। सामने वाला मंदिर जो मीरा का मंदिर है, जहाँ मीरा बैठ करके भजन कीर्तन करती थी, इसमें जो प्रेजेंट टाइम में जो मूर्ति लगी है वो 2002 के बाद लगी थी, मार्बल का मूर्ति। उसके पहले इसमें जो मूर्ति ओरिजिनल थी वो मीराबाई अपने साथ ले गई। इसके जस्ट सामने में मीराबाई के गुरु संत रविदास बैठते थे, उनके फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो सामने में रविदास जी का स्थान है, ये गुरु रविदास जी के चरण पादुकाएं हैं जो बनी हुई है यहाँ पे। और ये मीरा मंदिर है, अंदर से दिखाएंगे थोड़ा आपको। यहाँ पे मीरा पहले भगवान कृष्ण की ओरिजिनल मूर्ति थी, वो मीरा माई साथ ले गई थी यहाँ से। और अभी ये शायद जैसा गाइड साहब ने बताया कि कुछ एक सालों पहले एक भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है वो अंदर लगाई गई है। ये माँ मीरा का मंदिर है, ये हमारे पंडित जी हैं इस मंदिर के। पंडित जी आपका नाम क्या है? बालकृष्ण वैष्णव। बालकृष्ण जी वैष्णव। और ये मीरा माँ का मंदिर है, यहाँ पे जो ओरिजिनल मूर्ति थी वो मीरा माई साथ ले गई थी जब ये महल छोड़ के, ये चित्तौड़गढ़ छोड़ के वो गई थी, तब ऐसा हिस्ट्री में बताया जाता है। ये माँ मीरा की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। और ये अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। इस पे हाथों से कुछ ये खुदाई करके पत्थरों पे मूर्तियां बनाई गई है, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे। ये कुछ किताबें हैं चित्तौड़ के इतिहास को लेके, अगर आपका यहाँ आना हो तो ये मंदिर जरूर देखना। देखिए सर, हम लोग यहाँ पे 4 मोनूमेंट एक साथ देखेंगे। सामने जो टावर दिखाई दे रहा है, इस टावर को विजय स्तंभ कहा जाता है, विजय का प्रतीक चिन्ह है। महाराणा कुंभा ने जब गुजरात और मध्य प्रदेश दो स्टेट के मुगलों को युद्ध में हराने के बाद इस टावर का निर्माण किया जीत की खुशी में। बनाने में इसे 10 ईयर्स का समय लगा था। 1448 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1458 में ये बन के कम्प्लीट हुआ था। उस वक्त इसकी जो कॉस्ट आई थी वो 90 लाख रुपया खर्चा आया था। 122 फीट इसकी हाइट है और हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं, इसको 9 स्टोरी बनाया हुआ है। इस टावर की जो बनावट है, भगवान शिव का इंस्ट्रूमेंट होता है डमरू, वो डमरू के आकार में बना हुआ है। ऊपर से 2 स्टोरी चौड़ा है, बीच में पतला, फिर बीच नीचे चौड़ा है। इस टावर के जस्ट नीचे ये गार्डन बगीचा देखिएगा, इधर इस साइड में ये आपका जो गार्डन बगीचा जो दिखाई दे रहा है, ये उस जमाने में गार्डन बगीचा नहीं हुआ करता था। ये पूरा एरिया 40 फीट नीचे खाई होता था। उस 40 फीट खाई के अंदर में चंदन का लकड़ी, नारियल, घी वगैरह भर के आग जलाई जाती थी। और जब जब भी राजाओं का युद्ध मुगलों से हुआ, युद्ध में राजा लोग जब मैदान में मारे गए तो उनकी रानियों ने आग में कूद के जौहर करना पसंद किया। तो पहला जो जौहर किया था वो राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने किया था। 1303 के अंदर हमले में रतन सिंह मारे गए थे, तो रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज और चिल्ड्रन के साथ जौहर किया था। सेकेंड के बहादुर शाह ने हमला किया, उस वक्त राजमाता कर्णावती ने 13,000 लेडीज के साथ जौहर किया था। दोनों रानियों का जो मेमोरियल, जो समाधि आपको देखने को मिलता है सामने बना हुआ है, ये सामने हवन कुंड बना हुआ है, एक छोटा सा हवन कुंड है, जहां आज भी हमारे यहाँ के मेवाड़ के राजपूत लोग जो है
होली जलने के ठीक 11 दिन के बाद एकादशी का मेला लगता है। उस मेले का नाम होता है जौहर मेला। उन वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी जाने के लिए जौहर मेला मनाया जाता है। सामने जो एक बोर्ड बना है जिसपे लिखा है जौहर स्थल, ये पूरा जौहर स्थल एक ही जगह है। देन आफ्टर ये मंदिर हम देखेंगे इसके बाद में। इस मंदिर का निर्माण 11 सेंचुरी में भोजराज ने किया था और 14 सेंचुरी के हमले में जब मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने जब तोड़ दिया तो राणा कुंभा के फादर थे महाराणा मोकल, उन्होंने इस मंदिर को रिनोवेशन किया 1428 में। तब महाराणा मोकल ने इसमें टूटा हुआ मूर्ति एक साइड में करके एक ही लाइन स्टोन लिया 9 फीट हाइट का, उसको नक्काशी करके कार्विंग करके शिव के 3 रूप बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसमें जो एक ही पत्थर की मूर्ति देखेंगे 9 फीट हाइट की, वो शिव मां। जस्ट इसके नीचे जो लोग खड़े हैं सामने, वो सामने जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहां से आप खड़े होकर नीचे देखेंगे तो पानी का एक टैंक है। ऐसे 84 वाटर टैंक है इसमें। लेकिन ये जो वाटर टैंक है, जो सुरंग मैंने आपको कुंभा पैलेस में दिखाई थी, उस सुरंग से रानियां नहाने के लिए इसी टैंक में आती थी। ये 1.5 किलोमीटर का लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है सर। तो ये पूरा जो एरिया है विक्ट्री टावर के नाम से जाना जाता है। देखिए सामने जो गेट है, इस गेट को जौहर गेट कहा जाता है, और पीछे वाली जो आपके बगल में जो गेट है, लेडीज जो लोग खड़े हैं, उसको सती गेट कहा जाता है। सती और जौहर दोनों चीजें अलग अलग होती है। जौहर उस कंडीशन में होता है जब राजा युद्ध में मारा जाता है और उस रानी को अगर मुगल से अपनी इज्जत का खतरा महसूस होता है, उस कंडीशन में जौहर होता है। और सती उस कंडीशन में होता है जहां पति की नेचुरल मौत होती है, उसकी डेड बॉडी के साथ जो जिंदा जलते हैं उसको सती पर। तो जो सती प्रथा जो थी हमारे देश के अंदर में, उसको राजा राम मोहन राय ने बंद किया था। ठीक है सर। तो यहां से ये पूरा एरिया का नजारा लेकर के आपको ये सामने शिव मंदिर, पानी का टैंक, ये देख करके अपनी गाड़ी पर वापस लौटना है, फिर हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है। इस टावर को कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, जो 12 सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। ये 7 स्टोरी का टावर है और 75 फीट इसकी हाइट है। इस टावर के बाद में विक्ट्री टावर बना था, वो 14 सेंचुरी में बना था और ये 12 सेंचुरी का बना हुआ है। इसके बगल में जो मंदिर है वो जैन आदिनाथ मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर। भामाशाह जो राजा लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर होने की वजह से जैन कम्युनिटी के लिए दिगंबर और स्वतंबर दो मंदिर का निर्माण किया था 11 सेंचुरी और 12 सेंचुरी में। तो ये कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस गेट ये भगवान आदिनाथ का स्टैचू है जो आप देख रहे हैं यहाँ से, और इसी की भगवान आदिनाथ को समर्पित ये पूरा का पूरा कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। 12वीं शताब्दी में बना था ये। इनके 24 तीर्थांकर हुए थे, उनमें सर्वप्रथम जो तीर्थांकर थे वो भगवान आदिनाथ ही थे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि आपका जो है फोर्ट के अंदर जो एंट्री हुआ था वो बैक साइड से हुआ था, ये आपका फ्रंट साइड है। राजा लोगों के टाइम में ऐसे एयर कंडीशन व्हीकल नहीं होते थे, पैदल और घोड़ा आने का रास्ता होने की वजह से ये रास्ता आज भी उसी कंडीशन में बना हुआ जो पैदल और घोड़ा आने का रास्ता। इस गेट का नाम रखा गया है सूरज पोल गेट। सूर्य उदय होने पे खोला जाता है, सूर्यास्त होने पे आज भी ये गेट बंद होता है। सामने का जो मैदान है वो बैटल फील्ड है, जो राजा लोगों के टाइम में जो मुगलों के अटैक हुए थे, तीनों आक्रमण हुए थे इसी रास्ते से हुए थे। पहला अटैक हुआ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह का, सेकेंड अटैक हुआ 1536 में गुजरात के बहादुर शाह का, एंड लास्ट एंड फाइनल अटैक हुआ 1568 फ्रॉम अकबर एंड उदय सिंह का। तो ये जो तीनों हमले हुए थे इसी रास्ते से हुए थे, ये पैदल और घोड़ा आने का रास्ता होने की वजह से ये रिनोवेशन किया गया। सात गेट इधर हुआ करते थे, वही सात गेट पीछे की तरफ बनाए गए। सामने वाला जो पार्ट है ये पूरा बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान है। सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं माउंटेन अरावली रेंज है, बड़ा जो पहाड़ी अरावली पर्वत है। इसी बैटल फील्ड को 3 भाग में डिवाइड किया है, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। ठीक है सर। ये 7 गेट है जो पैदल और घोड़ा आने का रास्ता, नीचे सामने दिखेगा घोड़ा खड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। दोस्तों मैं सूरज पोल पे खड़ा हूँ और ये है सूरज पोल। इस सूरज पोल को आपने पद्मावत जो मूवी थी संजय लीला भंसाली की डायरेक्ट की हुई, दीपिका पादुकोण, और जिसमें वो खिलजी साहब थे अलाउद्दीन खिलजी, वो जो घोड़े और जितने भी युद्ध के स्थान दिखाए थे वो सारा का सारा जो सीन था वो इसी के बेस पे था, यहाँ नहीं था। वो सब उनका क्रिएटिविटी होता है, उन लोगों की अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं। बाकी ये है वो, और यही वो किला दिखाया गया है। तो ये वो जगह है, यहाँ से 7 गेट हैं। अभी ये फ्रंट है, इस फोर्ट का जो फ्रंट गेट है वो यही है, और जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वो इसके पीछे का हिस्सा था। चित्तौड़गढ़ के किले के सबसे खूबसूरत हिस्से में आए, ये रानी पद्मावती का महल है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी जो है वो छोटा नाम है,
रानी पद्मिनी इस तरह से छोटा नाम कहा जाता है। ये रानी पद्मावती का महल है जिसके ऊपर ये जो मूवी बनी थी संजय लीला बंसाली की। ये रानी पद्मावती महल के अंदर पहुंच गए हम। ये देखिएगा, मोहब्बत पे हम कहते हैं ताजमहल ही बना था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हिंदू शासकों ने भी अपनी रानियों की मोहब्बत में बहुत कुछ बनाया था और ये सब इश्क की ही बातें हैं। ये राणा रतन सिंह ने अपनी सिंगल की राजकुमारी, श्रीलंका की राजकुमारी थी रानी पद्मावती, उनके लिए ये महल बनाया था। आज भी इतना ही खूबसूरत है, सोचो उस जमाने में ये कितना खूबसूरत रहा होगा। ये हमारे गाइड साहब अभी इसका पूरा हिस्ट्री बताएंगे आप सब लोगों को। तो अगर ये अच्छा लगे हमारा वीडियो तो इसे शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि हम पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट्री इसी वीडियो में कवर करेंगे आपको। कि फर्स्ट में जो पैलेस हमने विजिट किया था वो विंटर टाइम का पैलेस है, ये समर टाइम का पैलेस है। राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी जो बहुत सुंदर हुआ करती थी, उसके लिए कहा जाता है कि वो पानी या शरबत पीती है तो गले से उतरते हुए दिखाई देता है। उसकी कल्पना की गई कि वो इतनी सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखने के लिए जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले के मेन गेट से जब प्रवेश किया था तो राणा रतन सिंह ने अपनी रानी को दिखाने के लिए मना कर दिया था, और गेट से जब उसे बाहर कर दिया तब अलाउद्दीन खिलजी ने उसी मेन गेट को 6 महीने बंद करके रखा था, जिससे राजा लोगों का जो फूड सप्लाई होता था, खाना पीना होता था, वो खाना पीना बंद हो गया था। वो खाने पीने को चालू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह का एक एग्रीमेंट हुआ। संधि के मुताबिक पद्मिनी को फेस टू फेस नहीं दिखा के पानी में गिरती हुई परछाई को आईने में दिखाया गया था। तो उस जमाने में आईना होता नहीं था, लेकिन सिल्वर प्लेट जो होता था, चांदी का प्लेट, उसको आईने का रूप दिया गया था और रानी पद्मिनी को बिठा करके उसकी परछाई को पानी में गिरती हुई को दिखाया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के मन में पाप आया कि पानी में अगर पद्मिनी इतनी सुंदर है तो फेस टू फेस कितना सुंदर होगा। उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जब राणा रतन सिंह गेट पर उसे छोड़ने गए तब उसको वहां बंदी बना लिया था रतन सिंह को, और उन्होंने मांग रखा कि आप अपनी रानी को यहाँ बुलाइएगा, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो राजा के साथ 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। एक सैनिक वहाँ रुका था राजा की सुरक्षा के लिए और दूसरा रानी के पास पहुंचा और रानी से कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजा को गेट पर रोक दिया है, वो आपको पाना चाहता है। तो रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उससे समझदार थी ज़्यादा। रानी ने अपने सैनिक, अपने राजा को छुड़वाने के मकसद अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेश भेजा कि पद्मिनी ने कहा कि पद्मिनी आपके साथ जाने के लिए एक शर्त पर तैयार है, पहले उनकी जो सर्वेंट है दासी लोग उनके लिए 700 पालकियाँ बनवाकर भेजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी एग्री हो गया था और उन्होंने 700 पालकियाँ बनवाकर भेजी। उन पालकियों में रानी नहीं जाकर के सारा सैनिक लोग जो है विथ वेपन के गेट पर पहुंचाया गया। वहां जाने के बाद पता चला कि इसमें रानी नहीं और सारा सैनिक है। वो युद्ध हुआ था 1303 में। युद्ध में जब रतन सिंह मारे गए थे तो रानी पद्मिनी ने आग में कूद के जौहर किया था। तो ये पैलेस है, ये सामने वाला जो है इनका रिलैक्स रूम हुआ करता था, जहाँ राजा लोग जो गार्डन बगीचा घूमने के लिए आते थे, घूम फिर करके वहाँ बैठ करके हवा खाते थे। ये सामने पैलेस का जो मेन एंट्रेंस, इधर आने जाने का रास्ता था, बाई बोट होता था। राजा लोग जो आते थे बाई बोट से आते जाते थे। पानी के अंदर बना हुआ पैलेस है, सामने जो पानी दिखाई दे रहा ना, उस पैलेस से आने जाने का रास्ता था ये। यहाँ से देखोगे तो ये एक रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते के उस पार बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है और वो उस पानी से राजा लोग जो थे वो अपनी बोट से आते थे, अपनी नाव से, और वो राजा जी इधर रानी पद्मावती से मिलते थे। मुझे पद्मिनी नाम लेना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ के सब लोगों ने मुझे बताया कि पद्मिनी बहुत छोटा नाम है एक रानी के लिए, तो रानी पद्मावती ही उनका सही नाम था। सामने जो पैलेस है समर पैलेस, वो समर पैलेस की जो स्टेप है, सीढ़ियां बनी हुई है, वहां रानी पद्मिनी को बिठा करके उसकी परछाई पानी में गिरी। उस परछाई को आईने में देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने इस साइड से, पीछे की तरफ जो बना है सामने जो मिरर रूम स्टैंड बना हुआ है, इस जगह चांदी का प्लेट लगा हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी को इस जगह पर खड़ा किया गया था। इस तरीके से उसको कहा कि आप इसमें देखेंगे तो आपको पीछे पड़ने में दिखाई देगा। इसमें जो आज के टाइम में जो कांच लगे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम लगाए गए थे। 4 जो बड़े बड़े कांच लगे थे ना प्रशासन ने लगवाए थे, जिसको हमारी करणी सेनानी जो मूवी पद्मावती उसके विरोध में। दोस्तों एक अच्छी चीज दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये पानी का रिफ्लेक्शन अभी भी आ रहा है, इस जरोखे से ये पानी का रिफ्लेक्शन यहाँ दिख भी रहा है। दिन खिलजी को चेहरा दिखाया गया था, वो यहाँ पे एक मिरर था जहाँ पे ये शेप दिखाई दे रही होगी आपको, इस यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था बहुत बड़ा, और अलाउद्दीन खिलजी इस तरह से उस साइड चेहरा करके खड़े हुए थे और उन्होंने ये देखा कि जब वो रिफ्लेक्शन पड़ा उस पर, स्थिति थी वो खराब हो गई थी इस वजह से कि जब ये एक पर्दे पर इतनी खूबसूरत दिख सकती है तो फिर ये हकीकत में कितनी खूबसूरत होगी।
और फिर उन्होंने न्योता भेजा राणा रतन सिंह के पास, रतन साहब जो थे वो चले गए। अब खिलजियों का हिसाब किताब ही यही रहा साहब, धोखा करना, और उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। और फिर आप सारी की सारी स्टोरी सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो संजय लीला बंसाली की मूवी देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से इतिहास को बयां किया गया है कि वो किस तरह से राणा रतन सिंह अपनी रानी को प्रेम करते थे। साहब उर्दू जबान में मोहब्बत और इश्क के मायने बहुत अच्छे होते हैं, लिखे जाते हैं, पर जब आप चित्तौड़ के किले में आते हैं तब आपको पता चलता है कि प्रेम की गाथाएं सच में बहुत लंबी चौड़ी और बहुत ही गहराइयों तक लिखी गई थी। जैसे माँ मीरा का मंदिर था, जैसे रानी पद्मावती का महल है। अभी हम गाइड साहब बाहर जा रहे हैं इस महल से, सर्वेंट रूम में जा रहे हैं। अच्छा, रानी की जो दासियां रहती थी जी, ये सर्वेंट पार्ट है, और रानी दासी की जो है सारी फैसिलिटी अंदर दी हुई है। दासियों के लिए सोने के लिए कमरे बने हुए हैं, बालकनियां बनी हुई है, बेडरूम बने हैं, टॉयलेट है, किचन है, वॉशरूम है, सारा चीजें। ये बिल्डिंग ऊपर से कवर्ड हुआ करता था, लेकिन मुगल लोगों ने जब आक्रमण किया था उस टाइम इसको तोड़ दिया था। तो ये जरोके जो बने हैं, बालकनियां बनी हुई है, इसमें लेडीज आपस में बैठ करके बातचीत करती थी, और ये इनके बेडरूम्स हैं। जैसा कि गाइड साहब ने बताया, ये उनकी दासियों के बेडरूम बने हुए थे, और उनके नहाने का रहने का सारा बंदोबस्त इधर ही हुआ करता था। रानी पद्मावती के जो दासियां थी, उनकी सेवा में जो हाजिर थी जी। रानी पद्मावती के महल के बाहर जब आप आते हैं तो कुछ आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, जो राजस्थान का कल्चर है हकीकत में। यहाँ पे ये लोग, ये बेचने के लिए नहीं है, इन्होंने सेल के लिए नहीं रखे ये ड्रेसेस जो लगाई हुई है। इसमें ये लोग एक काम करते हैं, इसमें से कोई भी आप एक ड्रेस पसंद कीजिएगा, और उसके बाद ये 50 रुपीज़ चार्ज लेते हैं, और उसका फ़ोटो क्लिक कर लो आप चाहे अपनी जितनी मर्जी, और फिर ये एक फ़ोटो भी देते हैं उसके साथ गिफ्ट में, कुछ ऐसा रहता है। तो ये वैसे ड्रेसेस बेचने के लिए नहीं है। मैंने जब मैं पहली दफ़ा इसको देखा तो मुझे लगा कि ये सच में इन लोगों ने इसलिए लगा रखे होंगे ये घाघरा जो है, कि ये बेचने के लिए होंगे, बट ये बेचने के लिए नहीं है। अंदर पगड़ियाँ भी हैं और अंदर आदमियों की ड्रेसेस भी है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेल कैंडिडेट के लिए और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। सो ये है दोस्तों, जो हमने अभी देखा है ये रानी पद्मावती का महल है, और ये अभी हम पूरा देखा है, और ये इस चित्तौड़गढ़ किले का सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो यही है। अब यहाँ से हम जाएंगे, जहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से सीधा सीधा देख पा रहे हैं, ये रोड सीधी जाएगी, और यहाँ से ये जाने के बाद ये रोड पूरी घूम के आएगी, ये रिंग रोड रहेगी, और ये पूरा घूम के, और वहाँ पे जहाँ पे हमने कीर्ति स्तंभ देखा था, शायद इससे पिछले वीडियो में आप देख पाए हो या इसी में, वहाँ पे कीर्ति स्तंभ के पास ये जाएगी, और वहाँ से फिर ये सीधी निकलेगी, ये रोड फिर आगे जाएगी, और फिर ये पूरा घूम के, और जहाँ से रामपोल गेट एक जगह है जहाँ से हम एंट्री करते हैं, उस जगह पे ये जाके रुकती है, और वहीं से हम फिर सीधा चित्तौड़गढ़ जो नया बस चुका है पूरा शहर, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, वहीं पे रेलवे स्टेशन और बाकी सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आप कभी भी अकेले आके नहीं देख सकते। मैं आप सब लोगों को एक चीज़ हिदायत देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि आप जब भी आएँ तो आप एक गाइड जरूर रखें अपने साथ, क्योंकि बिना गाइड के इस किले को समझना बहुत मुश्किल है। दोस्तों अभी हम जहाँ से हमने इस किले में एंट्री की थी, इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, ये है पांडल पोल, और पांडल पोल पे हमने एक आपको बताया था कि गडरिया लोहार होते हैं के बारे में बताया था, और यहीं से हमने एंट्री की थी, और अभी हम यहीं पे वापस आ गए हैं घूम के। मैं आपको बहुत सारे इसके अंदर के राज बताता हूँ कि क्या क्या रहा इसमें। जैसे कीर्ति स्मारक आपने देखा होगा, आपने विजय स्तंभ देखा होगा, आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे, पर मैं आपको एक इसमें अच्छी खास बात ये बताता हूँ, क्योंकि इसके हिस्ट्री का अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस बात को समझ ही नहीं पाओगे कि इस चित्तौड़गढ़ की हिस्ट्री क्या है और आपको क्यों आना चाहिए। ये सच में बहुत अच्छा है इतिहास को जानने के रिगार्डिंग, देख लीजिए आप, चाहे आप खुद को एक्सप्लोर करने के लिए आ जाइएगा, चाहे आप ब्लॉगर हैं तो आप आ सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह से अगर घूमने के इच्छुक हैं तो चित्तौड़गढ़ आ सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आते हैं उदयपुर, उदयपुर आने के बाद अगर आपने चित्तौड़ नहीं देखा तो सच बता रहा हूँ उदयपुर की ट्रिप बेकार रहेगी आपकी। मैं वहाँ से 120 किलोमीटर मेरी बाइक से आया हूँ, और इस बाइक से ही मैं पूरा चित्तौड़ अंदर से घूमा हूँ। अंदर का ये बता रहे हैं 14 किलोमीटर पूरा लंबा चौड़ा एरिया है, ये जो आप किला देख रहे हैं ये 14 किलोमीटर का है एरिया, और इस 14 किलोमीटर में माँ मीरा का मंदिर है, इसमें कुंभा शाम मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है,
बहुत सारे इसमें बने हुए हैं, अलग अलग स्मारक बने हुए हैं, वो सब देखने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, 3 घंटे लगेंगे पूरे देखने के लिए अगर आप अच्छे से देखोगे तो। और सबसे अच्छी खास बात इस किले की मुझे ये लगी कि एक इसके लिए कहावत बोली जाती है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेया। मुझे सच में इस कहावत का अंदाज़ा हो गया यहाँ पे आने के बाद कि ये कहावत इस किले के लिए क्यों कही गई। ये बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से जितना आप सोच सकते हैं बाहर बैठे उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो, मेरा डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे शेयर करना, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे आप थोड़ा सा टच कर दीजिएगा। मेरी ये मेहनत की हुई, मुझे लगेगा कि मैं सफल हो गया। और अगर आपको लगता है आपका कोई दोस्त ऐसा ही है जो फकीरी मस्ती में रहता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर करना, उसे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।